हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो मैं आज आपको बताऊंगा आईसीआईसीआई बैंक जो है इंडिया का बेस्ट बैंक में से एक है, उसमें आप जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे खोलोगे। और मैं बताना चाहता हूं आपको डेबिट कार्ड और चेकबुक वगैरह हर चीज़ आपको फ्री मिलेगा। चलो देखते हैं। तो फ्रेंड, मैं बताना चाहता हूँ माइंस अकाउंट जो यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन है, वहाँ पर जाके आप अप्लाई करोगे। मैं बताना चाहता हूँ जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से जाके आप ये डायरेक्ट अकाउंट खोल सकते हो। और वो मैं एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ, इसमें कुछ बेनिफिट अकाउंट्स के जो आपको ये वीडियो में दिख रहा होगा फ्रेंड। और मैं बताना चाहता हूँ इसमें डेबिट कार्ड भी फ्री है, बट पेटीएम डेबिट कार्ड लोगे तो कुछ चार्जेस आपको देना पड़ेगा, जिस लाइक 9599 देना होगा। और इसमें बताना चाहता हूँ कुछ बेनिफिट्स है, जीरो बैलेंस अकाउंट है ये पूरी तरह, और इसमें बहुत सारा बेनिफिट्स है। जैसे कि और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसमें 18 साल से ऊपर का ही अकाउंट खुलता है, उसमें भी डेबिट कार्ड आपको चेकबुक वगैरह सब कुछ फ्री मिलेगा इस अकाउंट में। तो ऐसे आप अप्लाई कर सकते हो, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा वीडियो। सेविंग अकाउंट नॉर्मली आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड रखना होगा, उसके साथ साथ मोबाइल नंबर आपका ओटीपी आधार से लिंक होगा। आप वहाँ पे जाके बस नॉर्मली अपना मोबाइल नंबर डालोगे और अपना ईमेल आईडी, जो वैलिड ईमेल आईडी डालना, वहाँ के बाद पैन कार्ड अपना नंबर डालना और उसके बाद नेक्स्ट पे करना, ओटीपी आपको आएगा। ओटीपी जैसे ही आएगा, आप वो ओटीपी 2 मिनट के लिए वैलिड होगा, तो प्लीज़ आप जल्दी ओटीपी उसमें डालना। उसके बाद ओटीपी करोगे तो वहाँ पे जाके आप आधार नंबर डालना, आधार नंबर वो भी मोबाइल से लिंक होना चाहिए, जिसके कारण आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा उस समय, उस क्योंकि उसी पर मैसेज आएगा आपको। वैसे ही जैसे ओटीपी आया, पैन का ओटीपी आएगा, वैसे ही मतलब आपका मोबाइल नंबर का, उसी तरह आपका आधार नंबर का भी ओटीपी आएगा। तो वहाँ पर जाकर ओटीपी आप डायल करोगे, उसके बाद वहाँ पर जाके कुछ आपको ये मांगेगा, आपका वेरिफिकेशन टाइप का मांगेगा। तो आप नॉर्मली इसमें वेरीफाई कर देना आप क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है आपका, सैलरी आपको मिलता है या स्टूडेंट हो या क्या करते हो, सब कुछ आपको डालना होगा इसके अंदर। आपको फिर से एक बार आधार कार्ड नंबर डालना होगा, जो भी आपका आधार नंबर है। उसके बाद आप फ्रेंड क्या कर सकते हो, नॉर्मल आपको यहाँ पे नीचे में ओके करना होगा, उसके बाद अपना कुछ वैलिड एड्रेस डालना होगा, जिस पर आपको आपका जो भी होगा बैंक का स्टेटमेंट वगैरह जो भी आता है वो मेल पे भी आ जाएगा फ्रेंड, बहुत इजी, पर आपको वहाँ पे डालना होगा। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये कुछ इंडियन हो या इंटरनेशनल हो या इंटरनेशनल बैंक में भी अकाउंट है, ये कुछ वेरिफिकेशंस वगैरह है, तो आप उसमें ओके कर देना आराम से पढ़ के। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ आपका पर्सनल डिटेल आ जाएगा यहाँ पर, जो आपको ऊपर में आइकन बटन दिख रहा होगा वहाँ पर से जाके आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे मेरा ऑलरेडी बन सब कुछ मैं सही सही डाला और मेरा हो चुका है, तो यहाँ पर नॉर्मली आपको कुछ भी नहीं करना है, यस का क्लिक करना है। उसके बाद आप जैसे ही करोगे, आप टर्म एंड कंडीशन थोड़ा पढ़ लेना, उसके बाद ही करना। उसके बाद जब जैसे ही करोगे, फिर एक बार आपको मोबाइल ओटीपी नंबर आएगा, जो ईमेल पे भी आएगा और मोबाइल फ़ोन पे भी आएगा। उसके बाद आपको जो ये सारा बेनिफिट्स है, आपको जो ऑनलाइन अकाउंट खोलते हो केवाईसी होगा, वो केवाईसी आपका इंटरनेट वगैरह होना चाहिए सही से, ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, सिग्नेचर के लिए पेज भी रख लेना जिसमें वो रियल टाइम सिग्नेचर मांगेंगे। और उसके बाद कुछ सेकेंड के बाद आपको जो वो एजेंट उन कॉल सेंटर में जिनका भी होगा बैंक वाले का, उनका फ़ोन ऑटोमेटिकली आपको वीडियो कॉल पे लग जाएगा, या बाद में भी आप कर सकते हो। आपको दिख रहा होगा फ्रेंड, मेरे को नॉर्मली क्या आया था, ईमेल पे आया था, इसका मेल ईमेल पे आया, तो आप बाद में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जाकर डायरेक्ट आप क्लिक भी कर सकते हो। और ये जो आपका डेबिट कार्ड आएगा, वो सही सही एड्रेस डालोगे तो वैलिड आपके एड्रेस पर आएगा, तो वहाँ पर जाके आप कर सकते हो, कोई भी बड़ा चीज़ नहीं है फ्रेंड। और ये आपको स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पर जाके आप बाद में भी अपना वीडियो केवाईसी कर सकते हो, या तो आप नियर बाय ब्रांच में जाके केवाईसी कर सकते हो, और बहुत ही अच्छा है। तो आपको ये वीडियो में कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप मेरा अकाउंट तो फ्रेंड खुल गया, आप भी अपना अकाउंट खोल सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू दोस्तों, मोटो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।